So hello everyone, in today's lecture we are going to discuss about the tuberculosis which is caused by the mycobacteria. So mycobacteria tuberculosis, site of infection is pulmonary alveoli. So mycobacterium tuberculosis infect the lungs, mainly wo kya karta hai, lungs ko infect karta hai, and it is a acid fast bacteria, yani ki jo माइकोबैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है. इट मीन्स दैट एसिड इज़ नॉट एबल टू डीकलराइज इट. इट इज़ ग्राम पॉजिटिव एंड इट इज़ हैविंग अ वैक्सी सेल वॉल. सो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई माइकोलिक एसिड एंड दे आर स्लाइटली कर्व्ड विद राउंडेड हेड एंड दे आर स्ट्रिक्ट एरोब्स. दे आर नॉन मोटाइल, नॉन कैप्सुलेटेड and non-sporing bacterias. So they are acid fast bacterias. Their cell wall is lipid rich. Acid fast means ki acid is not able to decolorize it and they resist the antibiotics. और वो क्या कर सकते हैं, antibiotics को resist कर सकते हैं. Antigen stimulate host immune response. So अगर आप इसका antigenic structure देखोगे तो उसमें आपको डिफरेंट लेयर्स दिख रही हैं, राइट? आपको डिफरेंट लेयर्स दिख रही है. पहले जो है दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, उसके ऊपर देर इज़ द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर. सो जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है वो शेप और रिजिडिटी मेंटेन करने के लिए होती है. पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से ऊपर आपको दिख रहा है आर्बिनोग्लाइकन लेयर. आर्बिनोग्लाइकन लेयर जो होती है दैट इज़ फॉर द सर्वाइवल इन द मैक्रोफेज, कि भाई जो बैक्टीरिया है अभी है, अब हम देखेंगे कि मैक्रोफेज में वो किस तरीके से सर्वाइव कर पाता है बैक्टीरिया. तो मैक्रोफेज के अंदर उसका जो सर्वाइवल है माइकोबैक्टीरियम का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस आर्बिनोग्लाइकन लेयर. एंड अगर अब इससे ऊपर आते हैं हम तो दैट इज़ द माइकोलिक एसिड, यानी कि जो आउटर मोस्ट है वो क्या है, माइकोलिक एसिड. एंड ये पूरे का पूरा क्या स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल of the mycobacterium tuberculosis. So cell wall का सबसे बाहर वाला जो part है that is the mycolic acid. Mycolic acid जो होता है that reduce the action of antibiotics. अगर antibiotics ले रहे हो तो mycolic acid क्या करता है, antibiotics के action को reduce करता है. So आपने देखा कि जो cell wall है mycobacterium tuberculosis की उसमें different layers हैं, right? सो एसिड फास्ट बैक्टीरिया, हेयर यू कैन सी द इमेज, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, वीकली ग्राम पॉजिटिव होते हैं, दे आर अरोब्स, स्ट्रिक्टली अरोब होते हैं ये, डीएनए विद हाई ग्वेनिन एंड साइटोसिन, एंड उनकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द लंग्स. सो लंग्स में जो ये हमारा बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या करता है, लंग्स में पर्टिकुलरली एल्वियोलाई रीजन में अफेक्ट करता है, राइट? जो पल्मोनरी एल्वियोलाई है उसको इन्फेक्ट करता है. सो साइट ऑफ इन्फेक्शन इज पल्मोनरी एल्वियोलाई. सो अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं कि हाउ द दिस बैक्टीरिया इज कॉजिंग द इन्फेक्शन. सो जो बैक्टीरिया है दैट इज़ अ बैसिली बैक्टीरिया, यानी कि वो रॉड शेप का बैक्टीरिया है. इस तरीके से इट इज़ अ रॉड शेप का बैक्टीरिया. अब सबसे पहले क्या होता है दैट द माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस कंटेनिंग एरोसोल्स आर इनहेल्ड एंड दीज बैसिलाई मे बाईपास द गॉबलेट सेल्स एंड मूव टू द लंग्स. सो इट मीन्स कि जो पर्सन ए है, लेट मी जस्ट ड्रॉ ओवर हियर, कि मान लीजिए कि ये क्या है आपके पास, दिस इज़ द इन्फेक्टेड पर्सन. इन्फेक्टेड पर्सन से क्या होगा, एरोसोल्स के थ्रू यहाँ पे एंड द ब्लू वन इज़ द रॉड शेप बैक्टीरिया विच इज़ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड द सेकेंड पर्सन इज़ द हेल्दी पर्सन. तो ये क्या है, हेल्दी पर्सन है और ये इन्फेक्टेड पर्सन है. तो देर विल बी द इनहेलेशन ऑफ द बैक्टीरिया, इनहेलेशन ऑफ द एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स एंड दीज ब्लू वन आर द बैसिली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. सो अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसने इनहेल करा. अब इनहेल करने के बाद ये क्या होगा, इसके लंग्स के अंदर एंटर करेगा. सो
इसकी लंग्स के अंदर वो क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा, और लंग्स के अंदर भी पर्टिकुलरली जो एल्वियोलाई रीजन है, सो दिस इज़ द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई रीजन में वो क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा. सो द सेकेंड स्टेप इज़ द मैक्रोफेज रिकॉग्निशन एंड बैक्टीरियल एनगल्फमेंट ट्रिगर द इननेट इम्यून सिग्नलिंग पाथवे विच लीड्स टू द रिक्रूटमेंट ऑफ अदर इम्यून सेल्स, मोर मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर्स, डेंड्राइटिक सेल्स, लिम्फोसाइट्स एट्सेट्रा टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन. सो इट मीन्स कि अभी क्या, अब मैंने बोला कि एल्वियोलाई के अंदर वो क्या करता है, बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा. सो इट रिजाइड विद इन द एल्वियोलर मैक्रोफेज, तो एल्वियोलाई के अंदर जो मैक्रोफेज है उसके अंदर वो रिसाइड कर सकता है. सपोज दिस इज़ द मैक्रोफेज, ठीक है, ये मैक्रोफेज है. अब ये जो बैक्टीरिया है, दिस ब्लू वन इज़ द बैक्टीरिया, अब ये जो बैक्टीरियाज है ये इस मैक्रोफेज के अंदर रिजाइड कर सकते हैं बहुत टाइम के लिए. तो उसको हम बोलेंगे कि वो इनिशियल स्टेज होती है, जब पता नहीं चलता, इतने सिम्टम्स नहीं दिखते हैं. सो दीज will be engulfed by the macrophages but not activated, so they will not destroy them. तो macrophages जो है वो अभी activated नहीं है, तो वो उनको अभी destroy नहीं करेंगे. macrophages phagocytic cells होते हैं, आपको पता है, और वो क्या करते हैं, MHC2 उनके ऊपर receptor होता है. They are having MHC2 receptor over their surface. So ये macrophages क्या करते हैं, इसको दे विल लाइक प्रेजेंट इट, उसको प्रोसेस करेंगे, बैक्टीरिया को प्रोसेस करके दे विल प्रेजेंट इट ऑन द रिसेप्टर. MHC2 के ऊपर उन्होंने प्रेजेंट किया, एंड वो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको इम्यूनोलॉजी लेक्चर्स में समझाया था कि टी हेल्पर सेल जो होता है उसके एक्टिवेशन के लिए यू नीड अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि टी सेल जो होता है, टी हेल्पर सेल विच इज़ द CD4 सेल, वो सिर्फ उसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है जो कि MHC2 के ऊपर अटैच्ड है. सो यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर का इंटरैक्शन होगा विद द एंटीजन अटैच टू द MHC2, एंड जिससे क्या होगा कि जो टी हेल्पर सेल है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, एंड वो डिफरेंशिएट करेगा इनटू टू, टी हेल्पर वन सेल एंड द टी हेल्पर टू सेल. अब जो टी हेल्पर वन सेल है, टी हेल्पर वन सेल क्या करेगा, इट विल रिलीज द interleukin 2, इट विल रिलीज द interleukin 2, एंड जो आपका टी हेल्पर टू सेल है वो क्या करेगा, इट विल रिलीज द इंटरफेरॉन गामा, वो इंटरफेरॉन गामा रिलीज कराएगा. ये जो interleukin 2 है ये क्या करेगा, जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो क्या है, न्यूट्रोफिल्स हैं, उनको एग्रीगेट कराएगा एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. वेराज जो इंटरफेरॉन गामा है वो क्या करेगा, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कराएगा, मतलब बाकी के जो मैक्रोफेजेस हैं उनको एक्टिवेट कराएगा. सो इसने क्या किया, इसने जाकर के मैक्रोफेजेस को इसने एक्टिवेट करा दिया. अब ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं और ये जो मैक्रोफेजेस हैं, एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स एंड ये जो मैक्रोफेजेस हैं, ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, दे विल रिलीज द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, दैट इज़ द TNF. अभी जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है ये क्या करेगा, इट विल कॉज द नेक्रोसिस ऑफ द सेल, यानी कि डिस्ट्रॉय द सेल बाय डिक्रीजिंग द pH. सो जो ग्रोथ है बैक्टीरिया, बैसिली बैक्टीरिया की, वो स्टॉप हो जाती है. या फिर क्या हो सकता है, देयर कुड बी द एक्यूमुलेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस, जिसको हम ग्रैनुलोमा बोलते हैं. अगर बहुत सारे मैक्रोफेजेस इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द ग्रैनुलोमा. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो थर्ड स्टेप है वो मैंने आपको बता दिया कि इम्यून सेल्स जो है वो आ चुके हैं वहाँ पर, किस तरीके से आए हैं, इन अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर में वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं सराउंडेड बाय द फाइब्रिनोजन एंड कॉलेजन, एंड इसको बोलते हैं ग्रैनुलोमा. सो बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इनसाइड दिस ग्रैनुलोमा इन द लेटेंट स्टेज. अगर लेटेंट स्टेज है, लेटेंट स्टेज देखो दो स्टेजेस होती हैं, इनिशियल जो स्टेज होती है दैट इज़ द लेटेंट स्टेज को हम असिम्प्टोमेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं चलता, कोई सिम्टम्स नहीं दिखते तो पता नहीं चलता कि यू डिजीज़ है भी या नहीं है, ठीक है. तो वो ग्रैनुलोमा के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं फॉर मेनी डेज और फॉर मेनी मंथ्स,
अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ कि ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस या फिर जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, मान लीजिए HIV हो गया या माल न्यूट्रिशन हो गया, तो HIV में क्या होता है, जब HIV होता है तो पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ठीक है, तो वो कोई भी लाइक नॉर्मल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी होगा ना, उसको भी वो सहन नहीं कर पाएगा, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी उसके लिए इम्यून सिस्टम जो है उसका इतना ज़्यादा वीक हो जाता है। सो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, मान लीजिए HIV का पेशेंट है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, तो अब क्या होगा, ये जो ग्रैनुलोमा है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, जिससे कि ये जो बैसिली, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर के जो बैसिली है जो यहाँ पर रिजाइड कर रखे थे, यहाँ पे सर्वाइव कर रखे थे इतने सारे सालों से या इतने महीनों से, अब वो क्या हो जाएंगे, दे विल कम आउट एंड दे विल स्प्रेड, ठीक है, वो बाहर आएंगे, दे विल स्प्रेड एंड दे विल फॉर्म मोर लेशंस, एंड इसको बोलते हैं एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर सिम्टोमेटिक डिजीज़, यानी कि जहाँ पे कि आपको क्या दिखने शुरू हो जाएंगे, सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। सिम्टम्स कैसे, कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई करने लगेगा एंड आप बीमार पड़ जाओगे। सो बहुत सारे लाइक सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे वेट लॉस, फीवर, चिल्स, है ना, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, और स्वेट, एनरोक्सिया, ड्राई कफ, एनीमिया, बहुत सारे सिम्टम्स हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के जो आपको देखने को मिल सकते हैं। सो देर इज़ वन मोर टर्म विच इज़ द गॉन कॉम्प्लेक्स और द गॉन फोकस। सो गॉन फोकस का मतलब है ग्रैनुलोमा प्लस केसियस नेक्रोसिस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हो गया था मैक्रोफेजेस के सेल्स के इकट्ठा होने की वजह से, ठीक है, बहुत सारे जो अपने इम्यून सेल्स थे वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंच गए थे एंड ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हो गया था। तो ग्रैनुलोमा जब बन जाता है, सो दिस आइसोलेट्स द बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम द स्प्रेडिंग। अब ये प्राइमरी, आपके प्राइमरी इन्फेक्शन वाली स्टेज में होता है। सो इट आइसोलेट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम द स्प्रेडिंग, स्प्रेड होने से रोकता है, एंड द टिश्यू इनसाइड द ग्रैनुलोमा फिर क्या हो जाता है, वो डाई हो जाता है ड्यूरिंग अ प्रोसेस रेफर्ड टू एज द केसियस नेक्रोसिस, जिसको हम बोलते हैं चीज़ लाइक नेक्रोसिस। जब ये प्रोसेस होता है तो जो ग्रैनुलोमा के अंदर का टिश्यू है वो डाई हो जाता है, एंड इस नेक्रोटिक एरिया को हम गोन फोकस बोलते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड हो सकता है, इट कैन ऑल्सो स्प्रेड टू नियर बाय लिम्फ नोड्स, ईदर कैरिड थ्रू द लिम्फ और डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द गॉन फोकस टुगेदर। ये जो आपका टिश्यू है, केसियस टिश्यू है और एसोसिएटेड लिम्फ नोड है, इसको हम क्या कहते हैं, गॉन कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली इट इज़ द ग्रैनुलोमा प्लास्मिक केसियस नेक्रोसिस इज द गॉन कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चीज़ लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसा होल्स होल से दिख रहे हैं, दैट्स वाई हमने इसको केसियस नेक्रोसिस बोला। सो यहाँ पे ग्रैनुलोमा प्लास्मिक केसियस नेक्रोसिस इज फॉर्मिंग द गोन फोकस, और गोन फोकस, देखो गोन फोकस मीन्स ग्रैनुलोमा प्लस केसियस नेक्रोसिस, एंड गोन फोकस प्लस में जो आपका लिम्फ नोड, अफेक्टेड लिम्फ नोड है, साथ में उसको क्या बोलेंगे, गोन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। सो अब ये क्या होगा, जैसे ये गॉन कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पे, अब वो और ज़्यादा यहाँ पे केसियस नेक्रोसिस होगी, वो पूरे लंग के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, और ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, एंड सिवियर कंडीशन ऐसी आ जाती है कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ द इथंब्यूटॉल, सेकेंड वन इज़ द स्ट्रेप्टोमाइसिन, देन आइसोनियाज़िड जो कि क्या करता है, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, देन रिफेम्पिसिन जो कि RNA सिंथेसिस को ब्लॉक करता है बाय ब्लॉकिंग द DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ताकि जो बैक्टीरिया है उसकी RNA सिंथेसिस ही ना हो पाए, देन पायरानियाज़िड विच इज़ द बैक्टीरियसिडल स्लोली मेटाबोलाइजिंग ऑर्गेनिज्म विद इन द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द फेगोसाइट और द केसियस ग्रैनुलोमा। सो ये सारी आपके डिफरेंट ड्रग्स है जिसका हम ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सो आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन, ये मेन इथंब्यूटॉल, पायरानियाज़िड,
कोई भी आप चार पांच ड्रग्स का नाम याद कर सकते हो, कैप्रियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए BCG वैक्सीन है, वैक्सीनेशन होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, विच स्टैंड्स फॉर दी बैसिले कैलमिटी ग्यूरिन। अब ये जो वैक्सीन है दैट वाज फर्स्ट यूज इन 1921, ओनली वैक्सीन अवेलेबल अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस, मोस्ट अफेक्टिव है इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द डिजीज़। ड्यूरेशन कितनी है, 15 to 20 ईयर्स के बीच में, एंड लाइक प्रोटेक्शन जो है वो 15 to 20 ईयर्स तक की प्रोटेक्शन ये देता है। सो ये जो वैक्सीन है BCG वैक्सीन, दैट कंसिस्ट ऑफ दी लाइफ द ट्यूबरक्यूले बैसिले, जहाँ पे कि जो वायरुलेंस है उसको अटेन्यूएट कर दिया गया था, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन। एंड डोज जो होती है वो 0.05 ml फॉर न्यूबॉर्न टू 1 ईयर। साइट कहाँ पे लाइक इसको लगाते हैं, सो दैट इज़ ऑन दी फ्रंट ऑफ दी लेफ्ट अपर आर्म, एंड इट इज़ गिवन इंट्राडर्मली। सो डायग्नोसिस अगर करना है ट्यूबरकुलोसिस का, तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले है जील नेल्सन स्टेन। तो आप क्या कर सकते हो, माइक्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हो यूजिंग द जील नेल्सन स्टेन, एंड फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का आप यूज़ कर सकते हो। देन आप स्पूटम कल्चर टेस्ट कर सकते हो यूजिंग द LJ मीडिया। लिक्विड मीडिया के लिए 8 to 14 days, अगार मीडिया इज़ फॉर 7 to 14 days, बिटवीन 7 to 14 days। सो व्हाट इज़ स्पूटम, स्पूटम मीन्स द म्यूकस दैट कम्स अप व्हेन यू कफ। देन देयर इज़ चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या देखा जाता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हेल्दी पेशेंट का है, और सेकेंड वाला जो है दैट इज़ द पेशेंट विद द ट्यूबरकुलोसिस। तो आपको अफेक्टेड एरिया दिख रहा है, तो आप डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको कैविटीज़ दिख रही है, कैविटीज़ अगर नज़र आ रही है बीच बीच में, इट मीन्स देर इज़ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। सो आप एक्सरे करा सकते हो। नेक्स्ट इज़ द न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन। सो बेसिकली आप PCR का भी, यहाँ पर RT-PCR का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी आप और भी लाइक आपके मेथड्स होते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग कर सकते हो। एसिड फास्ट स्टेनिंग से पता चल जाएगा कि अगर आपका जो बैक्टीरिया है, इट इज़ एसिड फास्ट बैक्टीरिया, राइट? जो बैसिली, अगर बैक्टीरिया की प्रेजेंस होगी तो इट इज़ द एसिड फास्ट बैक्टीरिया, मीन्स इट एसिड इज़ नॉट एबल टू डीकलराइज इट। सो आपको पता चल जाएगा एसिड फास्ट स्टेनिंग करने से। या फिर आप क्या कर सकते हो, उसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो, रेजिस्टेंस टू द रिफेम्पिन या जो भी ड्रग्स मैंने आपको बताई थी। ब्लड टेस्ट करा सकते हो। ब्लड टेस्ट में क्या पता चल जाएगा कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के एंटीजन्स ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है, इट मीन्स ट्यूबरकुलोसिस इज़ देयर, वो पर्सन जो है वो अफेक्टेड है। जो बेस्ट मेथड है डायग्नोसिस का, दैट इज़ द ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। दिस इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। ये किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दैट दिस इज़ परफॉर्म्ड विद द प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड और न्यू ट्यूबरक्यूलिन। सो यहाँ पे जो ट्यूबरक्यूलिन है उसका इंजेक्शन दिया जाता है ऑन द इन टू द स्किन ऑफ द लोअर आर्म, एंड वो इंट्राडर्मली होता है। 48 to 72 आवर्स के बाद चेक किया जाता है रिएक्शन। सो यहाँ पे जो डोज है वो 0.1 ml कंटेन्स द 0.04 माइक्रोग्राम ट्यूबरक्यूलिन प्रोटीन, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटेड। तो PPD टेस्ट भी बोलते हैं इसको, दैट इज़ द प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। सो ट्यूबरक्यूलिन जो है वो बैक्टीरियल, एक तरीके से बैक्टीरियल प्रोटीन डेरिवेटिव है, जो कि हम पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। सो पेशेंट इज इंजेक्टेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड into that is the tuberculin into the skin of the lower arm, and after हम देखते हैं 2 to 3 days के बाद कि swelling आई है या नहीं आई है, या फिर red patch का formation हुआ है या नहीं हुआ है। so red patch का formation हुआ है, it means tuberculosis is there।
सो अगर वो जो रेड पैच आया है, अगर उसका जो डायमीटर है उसको हमें चेक करना पड़ेगा. इफ़ इट इज़ लेस देन 6 mm, इट मीन्स कि नेगेटिव रिजल्ट है, उस बंदे को ट्यूबरकुलोसिस नहीं है. प्रीवियसली अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स मे बी गिवन BCG प्रोवाइडेड देयर नो कॉन्ट्रडिक्शंस. तो उनको जो वैक्सीन लगवाई जा सकती है, जिन्होंने नहीं लगवाई, जो 6 mm या उससे ज़्यादा का आता है बट इट इज़ लेस देन 15 mm, सो दैट मीन्स दैट दे शुड नॉट बी गिवन द BCG. एंड हाइपर सेंसिटिव टू द ट्यूबरकुलिन प्रोटीन, सो मे बी ड्यू टू द प्रीवियस ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो चुका होगा उनको. सो अगर 15 mm के बराबर या उससे ज़्यादा है, इट मीन्स स्ट्रॉन्गली हाइपर सेंसिटिव टू द ट्यूबरकुलिन प्रोटीन, सजेस्टिव ऑफ द ट्यूबरकुलिन इन्फेक्शन और द डिज़ीज़. यानी कि ये जो बंदा है वो, उसका पॉजिटिव रिजल्ट है और उसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कीमोथेरेपी लेनी चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्यूबरकुलोसिस. इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे.